नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और आप सभी का हमारे YouTube चैनल किचन ऑफ क्वीन में स्वागत है। बादाम छिलकर खाना चाहिए या नहीं? आखिर क्यों खाए छिलका उतारकर बादाम? क्या हम छिलका हटाए बिना बादाम नहीं खा सकते हैं? क्या आपको भी ये सारे सवाल परेशान करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा बादाम खाना चाहिए और क्यों बादामों का छिलका उतारकर खाना चाहिए? तो आज हम आपको बताएंगे कि बादाम को छीलकर क्यों खाना चाहिए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक, विटामिन ई और मिनरल से भरपूर बादाम सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत से लोग इसे भिगोकर इसका छिलका उतारकर इसे खाते हैं, लेकिन क्या बादाम को छीलकर खाना सही है? आइए जानते हैं विस्तार से। बादाम गर्म तासीर का होता है, ऐसे में इसे भिगोकर खाना फायदेमंद होता है। इससे इसमें मौजूद फैटिक एसिड हट जाता है और हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। बादाम के छिलके में टैनिन नामक पदार्थ होता है, जिसे हटाने से बादाम का 100% लाभ मिलता है। ऐसे में इसे छीलकर खाना लाभकारी है। बादाम की तासीर गर्म होती है, ऐसे में अगर इसे छिलके के साथ खाए तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसी वजह से इसे छीलकर खाना सही है। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि बादाम को छिलके समेत खाने से पित्त असंतुलित होता है, इससे स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं। हाल ही में एक स्टडी में यह सामने आया है कि जिन लोगों को पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें बादाम को छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। अब आप जान लीजिए बादाम खाने का सही समय क्या है। इसे ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में कभी भी खाया जा सकता है। इसे आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। अब आप जानिए कि हमें कौन सा बादाम खाना चाहिए। हमें देसी गिरी बादाम ही हमें खाना चाहिए, जो कि कैलिफोर्निया बादाम के मुकाबले देसी गिरी बादाम छोटे साइज के होते हैं, उसे ही खाना चाहिए। वे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं उसे खाने से। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों छिलका उतार कर खाना चाहिए बादाम। इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और देश भर में फैलाइए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी जगह आप इसे फैलाइए, ताकि वे लोग भी जान सके कि आखिर क्यों बादाम को छीलकर खाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching this video. Bye bye guys. Take care.